इस खूबसूरत से दिखने वाले जीव को लिपशिप कहते हैं। यह जापान के कुरोशिमा आइसलैंड में मुख्यतया पाए जाते हैं, जिस कारण इनका वैज्ञानिक नाम कोष्ठशिला कुरोशिमा रखा गया। कोष्ठशिला कुरोशिमा को लीप स्लग और साल्टी ओशियन कैटरपिलर के नाम से भी जाना जाता है। 5 मिलीमीटर लंबे इस मनमोहक जीव की संरचना पत्तियों जैसी होती है तथा सामूहिक रूप से भेड़ की तरह दिखती है, जिस कारण इसको लीपशिप के नाम से जाना जाता है। लीपशिप के सबसे उल्लेखनीय पहलुओं में से एक इसकी प्रकाश संश्लेषण करने की क्षमता है। हालांकि वे सीधे प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, वे शैवाल से भोजन प्राप्त करते हैं और इस शैवाल से वे क्लोरोप्लास्ट को अवशोषित करते हैं। ये क्लोरोप्लास्ट इस स्लग की कोशिकाओं के अंदर प्रकाश संश्लेषण करना जारी रखते हैं, जिससे इस जीव को ऊर्जा मिलती रहती है। इस घटना को विज्ञान की भाषा में क्लेप्टोप्लास्टी के नाम से जाना जाता है।